नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसीएन की खास पेशकश एक खास मुलाकात में। विषय गंभीर है, स्थिति गंभीर है। सिर्फ देश की नहीं, पूरे देश की, पूरे वर्ल्ड आज एक महामारी से जूझ रहा है, एक काफी संकट में है। नागपुर शहर की भी हालात कुछ ऐसे ही हैं। इन हालातों में आइए हम स्टूडियो में स्वागत करते हैं सिराज शेख जी का। सिराज सर, आपका स्वागत है। आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, बीसीएन न्यूज के आप सर्वे सर्वा है, बीटीपी यात्रा है, सब कुछ है। क्या आप शुरुआत में ही आप क्या कहेंगे आज की परिस्थिति के ऊपर में? मैं तो इसको बहुत गंभीर से ले रहा हूँ जी, क्योंकि जो चाइना की जो केस है, December 14 को एक पहली सामने आई थी, उनके समझ में नहीं आया। लोग करते करते 2-4-15 दिन निकल गए, 31 की वहाँ पार्टी हुई। पार्टी के बाद में इतने तेजी से वो जनवरी महीने में फैला कि उनको संभालना बहुत मुश्किल हो गया। मतलब शुरुआती दौर पर बहुत हल्के में इस चीज़ को लिया गया। हमारे इंडियन गवर्नमेंट को इस चीज़ का पता था, इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्शन थोड़ा स्लो ली, लेकिन ली और अच्छा खासा ली। तो इंडिया में भी आज बाकी देशों से हिसाब से बहुत कम क्वांटिटी है। अब इटली की देख लो, फ्रांस देख लो, यहाँ तक कि अमेरिका तब पावरफुल है उसके देख लो, सभी चीज़ों का तकलीफ बढ़ रही है। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट ने है, जो जनता से जो कोऑपरेट करी कि आप हमको समर्थन करो, कि हमको भी बोलो, ये पब्लिक क्यों नहीं समझ रही, मेरे को इसका कारण समझ में नहीं आया। मैं इसी मुद्दे पर आने वाला था। देखिए, एक जगह पे आप जो है प्रशासन की बात कर रहे हैं, सरकार की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं समाज का, लोगों का भी उत्तरदायित्व जो हो रहा है वो आप खुद बीसीएन न्यूज भी देखते होंगे, नागपुर की स्थिति देखते होंगे, देश की स्थिति देखते होंगे। यहाँ पर हमने भी देखा है कि लोगों को डंडे मारने पड़ रहे हैं, क्यों ऐसा? यहाँ की पब्लिक इसको बहुत हल्के में ले रही। यहाँ की पब्लिक को ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट ने छुट्टी दे दी है ना, हमको पार्टी करना है। क्योंकि आज 4 बजे से लेकर आपको 10 बजे रात तक देखो तो लोग पार्टीज कर रहे हैं। दिन में तो लोग उधम करने वाले लोग सोए रहते हैं और रात को सिर्फ पार्टी चल रही है। डिपार्टमेंट ने भी जो नाकाबंदी करके रखी है वो चौराहे पे, मेन चौराहे पे करके रखी है, गलियों में नहीं करके रखी है। ये गलियों में समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो। आज भी लोग चौराहे के ऊपर पुलिस की गाड़ी हॉर्न हॉर्न करके निकलती, हॉर्न मारते हुए तो लोग सब घर में घुस जाते और जैसे ही वो पुलिस की गाड़ी के लोग रोड पे आ जाते। तो ये पब्लिक को समझना चाहिए कि आज नरेंद्र मोदी ने जो डिसीजन लिया, यहाँ के नागपुर कलेक्टर ने जो लिया, अपने उद्धव ठाकरे ने जो डिसीजन लिया, ये जो इन लोगों ने जो डिसीजन लिए पब्लिक के लिए लिए, कोई सरकार के लिए नहीं लिए। सरकार को तो इसमें नुकसान ही है, सरकार तो वैसे भी बेरोजगार बढ़ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है, सब कुछ है। ये देश की जनता, क्योंकि हम लोग अगर महामारी से बचेंगे, हम जिंदा रहेंगे, तो हम लोग सब साम्राज्य चलाएंगे। बिल्कुल सही बात कही आपने। कोई समझने को तैयार ही नहीं है। पब्लिक क्यों नहीं समझ रही, मेरे को इसको समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तक कि हमारे बस्ती के लोग, हमारे घर के लोग उनको समझाओ तो अरे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। उनको लग रहा है कि हमको कुछ नहीं होगा। ये गलतफहमी सबसे पहले लोगों ने दूर करना चाहिए और इसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए। संजय जी भी हमारे साथ में है। संजय जी भी पत्रकार से, आपने भी संजय जी बहुत कुछ देखा है इन दिनों में, क्या आप इस पर विश्लेषण करना चाहेंगे? बिल्कुल रत्नाकर जी, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपडेट करवाना चाहता हूँ। देश की जो हालत बनी है, मरीजों की जो संख्या कोरोना वायरस की 582 हो चुकी है, तो वही महाराष्ट्र की 112 हो चुकी है और नागपुर में 4 का जो आंकड़ा है अभी भी है। और जो कुछ संदिग्ध जो लोग हैं उनके ऊपर भी जाँच जो है अभी भी जारी है। जैसे कि आपने कहा कि इन दिनों में जैसे अपने रिपोर्टिंग के दौरान क्या क्या दिखा, सबसे पहले तो ये देखा गया कि लोगों में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जबकि केंद्रीय मंत्री हो या भारत के जो वजीर आजम है नरेंद्र मोदी जी, जिस प्रकार से ये जो बातचीत कर रहे हैं और जो लॉकडाउन जो हुआ, लोग उसका पालन करते हुए नजर नहीं आ रहा। मैं सर आपसे भी ये जानना चाहता कि जैसे कि आप बीटीपी यात्रा के संचालक, आप बीटीपी यात्रा चला थे और आए दिन जो यात्री को जगहों पे खड़ा किया गया, जो बसेस है उसको भी खड़ा किया गया, ऐसे में जो कर्मचारियों का जो वेतन है या उनके जो कुछ प्रॉब्लम्स है उसको आप एक संचालक के तौर पर किस प्रकार से उसको आगे जाते हो? या देखो, अभी मैं आपको एक चीज बताऊंगा। आपने जो ट्रॉयल्स की बात निकाले, तो मेरे बसेस जो चलती है नागपुर टू पूना जी, मेरी बसेस पिछले 4-5 दिन से बंद है। मेरे ख्याल से आज की तारीख कितनी है, 25 जी, मेरे ख्याल से 18-20 तारीख तक मेरी बस चली हुई है। तो मैक्सिमम क्राउड इधर से बसेस खाली गई है, उधर से भर भर के आई है। इतना ज़्यादा क्राउड पुणे से आया शायद ही मैंने अपने लाइफ में फर्स्ट टाइम देखा इतना क्राउड आते हुए। तो डिपार्टमेंट ने उनका भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये अभी आज मैंने NDTV की न्यूज़ देखा कि ये एक सऊदी अरब से एक लेडी आई थी, वो एक ने 200-250 लोगों से कैसी मिली और उसमें हमें कितने लोग पॉजिटिव पाए गए। अब वो 256 लोग और कितने लोग भी जोड़ सकते हैं, तो ये बहुत सीरियस मैटर है। तो इसको हो सकता है, अगर मेरे से, मैं तो मेरी बसेस की सब लिस्ट तैयार है क्लाइंट की, जो जो उसमें आए हुए सफ़र किए हुए,
मैं चाहता हूँ कि इनकी भी एक बार जांच होना चाहिए जी, बिल्कुल, मेरे ड्राइवर की होना चाहिए, मेरे कंडक्टर की होना चाहिए, सबकी, उनकी भी। ये रिपोर्ट गवर्नमेंट ये बता रही है कि अगर आज इंसान को बुखार दो दिन बाद पता चलता है, बुखार आता है तो 4-5 दिन लगता है, तो ये सब केस करने को अभी आज की तारीख 25 है, तो ये सब 8 दिन पहले की केसेस है, तो मैं कहता हूँ सबका चेकअप होना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात आपने कही है, इसमें कहीं ना कहीं जिम्मेदारी भी आप, मैंने तो इमरान को भी बोला कि हमारी न्यूज टीम इतनी काम कर रही है, आज हमारे भी 8-10, हम तो पर स्टॉप को छुट्टी दे दी, पर ऑफिस बंद है, लेकिन हमारा न्यूज सेक्शन जो चालू है, अखबार चालू है, तो हमने भी उसको बोला कि इमरान जो हमारा डायरेक्टर इस कंपनी का हमारे साथ में जुड़ा हुआ है, उनको बोला गया कि आप अपने भी टीम की एक बार जांच करा लो चीज के लिए। जी बिल्कुल, ये भी एक सही कदम आपने बताया, क्योंकि हम भी, हमारी पूरी टीम जो है सभी लोगों में जा रही है, कहीं हॉस्पिटल जा रही है, कहीं पुलिस स्टेशन जा रही है, चौक चौक में रहकर हम लोग न्यूज रिपोर्टिंग सारी चीजें जो BCN के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं, और हमारे जो संचालक है वो भी ध्यान रखने की कोशिश करें, एक जिम्मेदाराना स्टेटमेंट भी इन्होंने दिया। जो बात की है कि अभी सैलरी देखो आज की तारीख है 25 जी, अभी से एम्प्लॉय के फोन आना चालू हो गए हैं, सर हमारे सैलरी का कैसा, हम लोग को कब दे रहे हो, हम तो सैलरी बिल्कुल रेडी है, जितने के अकाउंट में ट्रांसफर करना हम तो कर ही देंगे, हमने HR को बुलाया जी कि आप लिस्ट बनाओ घर से बैठ के, जिस जिसकी होती है करेंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी अभी जुड़े हुए हैं, जो अभी किनके पास अकाउंट नहीं है, जैसे पीउन है, मेरे फार्मर्स के लेबर है, काश्तकारी, मैं काश्तकारी भी करता हूँ, वहाँ के मेरे जो परमानेंट लेबर है वो लेबर के फ़ोन आ रहे हैं, इसके बाद में मेरे ऑफिस के जो क्लीनिंग बॉय है, उसके बाद में बस के जो कंडक्टर लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कैश में भी सैलरी लेते हैं, उनको भी जो थोड़ा तकलीफ हो ही रही है, सर आप सैलरी तो दे रहे पर हमको पुलिस घर से बाहर नहीं निकलने दे रही है, ये भी एक मुश्किल तो सवाल। मैंने इमरान को ही पूछा, बोला हूँ कि अगर भाई अपने मैनेजर और अपने HR को अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है 2-4-8 दिन की, तो हम लोग उनके घर घर जाके उनके घर में अनाज भी छोड़ेंगे और उनको सैलरी भी घर पर ले आके देंगे, ये भी बहुत सराहनीय कदम, ये डिसीजन लिया हुआ आज जी इसके बारे में, पर हम लोगों को इसके लिए पुलिस से परमिशन लेना पड़ेगा, बिल्कुल एक परमिशन, प्रशासन परमिशन देंगे तो ही हम लोग जाएंगे, नहीं तो फिर हम तो भी मजबूर है, हम कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। जी सही बात कही आपने, आप कुछ एक और आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते ऐसी बात करते हो, लेकिन दूसरे ओर देखा जी गया है कि संचार बंदी जब से लग चुकी है, बड़े जो बड़ी जो सड़कें हैं वो वीरान दिखाई देती है, वहाँ सन्नाटा सा छाया दिखता है, मगर अंदर के जो एरियाज होते हैं जैसे बस्तियाँ कहीं होती है वहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है। रत्नाकर जी क्या कहना चाहोगे इस बारे में, क्या सही मायने में संचार बंदी लागू हुई ऐसा लगता है आपको? देखिए संचार बंदी प्रशासन की ओर से की है, सिराज सर ने भी अभी जब हमारी बातचीत चली तब भी उन्होंने वही मुद्दा उठाया था कि संचार बंदी करना, पुलिस एक रास्ते पे आके खड़ी रहकर ये सब कुछ करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोग आज भी गलियों में पूरे झुंड के साथ में अपने घरों के बाहर रास्ते में आ रहे हैं, तो भी फायदा क्या, ये कोई हड़ताल नहीं है, समझने की कोशिश करनी होगी लोगों को कि ये हड़ताल नहीं है कि हम कोई बंद घोषित कर रहे हैं, ये आपकी और हमारे सेफ्टी के लिए, जितना हम अलग थलग रहेंगे घर में भी हमको एक दूसरे के साथ में कम से कम 1 मीटर का फासला रख कर ही बात करनी होगी। सही कह रहा हूँ मैं सिराज सर? लेकिन पब्लिक नहीं समझ रही, पब्लिक नहीं समझ रही तो घर के लोगों को भी समझाना बहुत मुश्किल है, पब्लिक को भी समझाना बहुत मुश्किल है, आज भी लोग वही खेलना, बस्ती में आना जाना, एक घर से दूसरे घर में बर्तन लेना, खाना लेना, सब्जी लेना, वो चल ही रहा है, कौन किसका हाथ लगाना है वो वहाँ पे नहीं, कंट्रोल नहीं है उस चीज़ को, अगर उसको कैसा समझाया जाए मेरे भी दिमाग के बाहर है इसको। अगर आज हम स्थिति को समझेंगे नहीं, दर्शक जो यहाँ पर देख रहे हैं हमको अनुरोध करते हैं BCN के माध्यम से, आपको विनंती करते हैं कि ये आने वाले कल के लिए बहुत मैं तो चाहता हूँ कि हर बस्ती में एक समाज सेवक रहता है, एक नगर सेवक रहता है, उन्होंने फ़ोन कर करके अपने मोहल्ले वालों को समझाना चाहिए कि आप घर से बाहर मत निकलो, एक मिनट से लेन देन मत करो, एक मिनट के घर में आना जाना मत करो, क्योंकि पुलिस का ये काम नहीं है, बस्ती के जो नगर सेवक है, समाज सेवक है, हर गली में तो कोई तो जवाबदार व्यक्ति रहता है, वो जवाबदार व्यक्ति का काम है कि अपने बस्ती के अपने मोहल्ले के लोगों को समझाए। बहुत सही बात है आपने फरमाया कि जिस तरह से सांसद होते हैं, विधायक होते हैं या होते हैं पार्षद, इतने नहीं तो अलग अलग पार्टी के जो जैसे महामंत्री होता है, ब्लॉक कमेटी का कोई अध्यक्ष होता है, तो उन लोगों ने आगे आना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे परिचित होते हैं, उनके बस्ती के कितने लोग हैं, क्या उन्हें भली भांति मालूम होता है, ऐसे में अगर वो आगे आते हैं और जिस प्रकार से जन जागृति करते हैं तो यकीनन बहुत बड़े पैमाने पे एक अच्छा काफ़ी प्रबोधन होके कोरोना वायरस की रोकथाम कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा सुझाव आपने दिया है। रत्नाकर जी मेरा एक सवाल ये भी था कि लोग जो नशेड़ी जो होते हैं अक्सर ये देखा कि बंद के दौरान जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी और क्वालिटी में बढ़ता है, क्या आपको लगता है जैसे द वाइन की बात की जाए, क्या कहना चाहोगे? संजय जी मराठी में कहावत है, हिंदी में भी कहावत है, बंद मुट्ठी जो है 100 लाख की होती है, जब वो खुल जाती है तो खाकी होती है, अंदर की बात हम भी सभी जानते हैं कि जिसको जो करना होता है वो ज़रूर करता है,
बात जब खुल के सामने आएगी तो पता नहीं इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, लेकिन इस वक्त लोगों को संयम से काम लेना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं इस बंद का असर लोगों के इस पर जो व्यसन हम कहते हैं दारू के कहिए खर्रा के बगैर, नागपुर तो खर्रे के लिए भी बड़े फेमस है, तो कहीं ना कहीं इस पर अंकुश लगा हुआ है, लेकिन कितना लगा हुआ है सिरासर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आपका क्या? नहीं, ये तो मैंने बहुत डीपली देखा हूँ। मैं मेरे आजू बाजू मेरे रिश्तेदार बोलो, मेरे भतीजे बोलो, भाइयों बोलो, या मेरे जो भी है, रात को सिर्फ खर्रे खाते हैं। कहाँ से लाए रहे खर्रे सर? है ना, बोलते पांच खर्रे का ऑर्डर तो एक साथ मिलता, दस खर्रे का ऑर्डर तो एक साथ मिलता, घर से सर्विस चलो, गली गली से लोग जाते हैं, अंदर ही अंदर खर्रे, पान, सिगरेट, उस यहाँ तक कि लीकर भी जितने बाद जितना स्टॉक होंगे उतना बेचेंगे, उसके बाद कहाँ से बेचेगा। पर लीकर भी अब पता नहीं लोग ओरिजिनल पिला रहे, डुप्लीकेट पिला रहे, क्या गंदी क्या चीज़ पिला रहे। ये लोग भी थैली में जाके गाड़ी, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट लोगों को लट से मार के भगा रही, किसी की डिक्के चेक नहीं कर रही है। लोग लीकर का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लोग इसका भी इस्तेमाल कर रहे हैं और अभी हो रहा है, लेकिन ये लीकर ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, स्टॉक खत्म होने वाला है, लेकिन इसको भी रोकना चाहिए। तो क्या हम इसका मतलब ये समझे कि लोगों को मौत का डर ही नहीं सता रहा है, या लोगों को कहीं ना कहीं विश्वास है कि ये बीमारी हम तक नहीं पहुँच सकती? देखो, मैं एक मुस्लिम समाज से हूँ, अब मैं पास में जो इमरान एवरीडे जो मेरे रिपोर्टर, मेरे जो कैमरामैन जो क्लिपिंग लेके आ रहे हैं, जो रोज क्लिपिंग देख रही है, तो ऐसे एरियाओं की ज़्यादा है जहाँ मुस्लिम क्राउड ज़्यादा है। ये गवर्नमेंट को बहुत हरासमेंट कर रहे हैं, सता रहे हैं, ज़बरदस्ती के हुलम कर रहे हैं, पुलिस वाले आए तो भग रहे, उनको दौड़ा रहे, ये कर रहे, ये लोगों सिर्फ समाज को बदनाम कर रहे हैं। इन लोगों ने समाज को बदनाम नहीं करना चाहिए, चार लोगों के चक्कर में समाज बदनाम होता है, कि समाज को इन्होंने सुधारना चाहिए। यही एक ऐसा टाइम है कि जब हमको बताना चाहिए कि हम यहाँ के नागरिक है, हम हिंदुस्तान देश, हम इंडिया के रहवासी है, हमको अच्छे से अच्छा हम डिपार्टमेंट को कॉपरेट कर रहे हैं। उन लोगों को ये समझ में क्यों नहीं आता है कि ये रिपोर्टिंग छोटा अधिकारी बड़े अधिकारी को देता है, उससे ऊपर एक में को रिपोर्ट फॉरवर्ड होती है कि ताजबाग परिषद हो या हसनबाग परिषद हो या और भी हो, जहाँ पे मुस्लिम सदर लोग ज़्यादा है, मोइनपुरा हो या और भी जगह की हो, कि यहाँ पे जो क्लिपिंग मेरे पास में इसमें ज़्यादा करोड़ यहाँ लोगों इन इन एरियाओं का दिख रहा है। कल हम लोगों ने इन ये लोगों ने कॉपरेट करना चाहिए, अपने ही हाथ से अपने को बदनाम करते, फिर वही पुलिस के दिमाग में रहता है, ये लोग बहुत हरासमेंट करते हैं, वही कलेक्टर के दिमाग में रहता है, वही बाकी लोगों के दिमाग में रहता है। मैं खास तौर पे मेरे मुस्लिम भाइयों से निवेदन करता हूँ कि अपने समाज को बदनाम ना करें और आप घर के बाहर ना निकले। अगर हम लोग सच्चे हैं तो हमारे को अंदर ही रहना है, कॉपरेट करना है, हमारे को कोई भी चीज ऐसी ना करे जिससे गवर्नमेंट और यहाँ के प्रशासन परेशान हो और जिसमें हमारे समाज का नाम बदनाम हो। बहुत सही बात कही आपने। कल हम लोगों ने मोमिनपुरा का रुख किया था, जब हम लाइव कर रहे थे फेसबुक के माध्यम से, तब हमने देखा कि मोमिनपुरा में हमको मौलानाओं को वहाँ पर आवाहन करना पड़ा, लोग काफ़ी तादाद में वहाँ पर रास्ते पे दिख रहे थे, उनके आवाहन और प्रशासन पुलिस प्रशासन की थोड़ी बहुत सख्ती के बाद वहाँ से लोगों का हमने जाते हुए देखा, लेकिन कुछ देर के उपरांत फिर वहाँ की क्या स्थिति है या गली गलियों की भी क्या स्थिति होती है, इस पर हम कहाँ तक नियंत्रण रख पाएंगे? एक ऐसा तो देखो, उनका पढ़ाई का मैनेजमेंट है या जी, छोटी बस्ती होती है, छोटे छोटे घर होते हैं, यानी वहाँ पे क्राउड ज़्यादा होता है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को पैदल निकल के चार लोग लेके बैठ जाता है, और उसमें वो मैंने आपको खर्रा सिगरेट सब बताया, आपको मिल ही रही है, तो ये सब जिसका उपयोग करने के लिए वो महफिल बैठती है और महफिल का फिर वो मिसयूज़ करके हरासमेंट करके डिपार्टमेंट को भी परेशानी उन लोगों से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये चीज़ को प्रशासन को सिविल में जाके इन लोगों को रोकना पड़ेगा। ये अपने यूनिफॉर्म में जाते हैं या प्लस गाड़ी जाती है तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ता है। हाँ, सायरन बजता है, रोकना पड़ेगा, या इनकी गाड़ी चाबी इमीडिएटली जब्त करना पड़ेगा, उनको सीधा उनकी मोबाइल छीन के सीधा पुलिस स्टेशन में जमा कर दो तो सब लोग राइट आ जाएंगे। हम लोग उनको दो डंडे मार के छोड़ दे रहे हैं, इसलिए मिसयूज ज़्यादा बढ़ रहा है। एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सोशल मीडिया में भी काफ़ी सारी चीज़ें, कुछ अच्छी चीज़ें शेयर हो रही, कुछ बुरी चीज़ें शेयर हो रही, इसके पर बात करने से पहले तो मैं आपसे एक पर्सनल सवाल पूछना चाहूँगा कि आप सोशल मीडिया से काफ़ी जुड़े हुए रहते थे, लेकिन आजकल आप काफ़ी कटे कटे से रह रहे हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, मैं पहले फेसबुक वगैरह बहुत चलाता था, मैंने तो अपने लाइव के अंदर मैंने आपको बता एक सिंगल लाइन भी नहीं लिखाऊंगा जी, मैंने लोगों से लिखवाया, मेरे असिस्टेंट वगैरह लिखते थे वो देखते, लेकिन फेसबुक पे भी मैंने देखा कि लोग बहुत उल्टे सीधे कमेंट्स डालते हैं, उल्टी सीधी चीज डालते हैं, गैर जिम्मेदाराना है। मैं अपने लाइफ में आज मैं 47 का रनिंग हूँ, मैं उम्र के 13-14 साल से ही बिजनेस में हूँ और मैंने काफ़ी संघर्ष करके चीज़ों को देखा हूँ,
तो मैंने कभी इंसान को इंसानियत समझा, मैंने कभी, मैंने इतना बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने के, मैंने बहुत किताबें ना बहुत ज्ञान की किताबें नहीं सब पढ़ा, मैंने इंसान को इंसानियत समझाऊ, और मेरे को लगा कि जाति इंसानियत है, तो मैं इंसानियत के ही नाते सब कुछ जोड़ता गया। आज मेरे पास में इतना लोगों का स्टॉफ, आपको खुद को भी पता कितने लोगों का स्टॉफ है, मेरे कहाँ कहाँ ऑफिसर्स है आपको सब पता है। तो मैं इंसानियत को ही इंसानियत से जोड़ते गया और उसी को आगे बढ़ाता गया। लेकिन सोशल मीडिया पे आजकल नहीं आने का कारण ही हुई, लोग आजकल वो माहौल नहीं बचा, आजकल लोग स्टेटमेंट आते हैं, कमिटमेंट डालते हैं, कोई ये नहीं किए। मैंने अभी एक जमाने अपने में इतने सोशल कार्यक्रम किया, मेरे दक्षिण नागपुर में दही हांडी हो जाए, चाहे नवरात्र जागरण हो जाए, यहाँ के संदल हो जाए, यहाँ के कव्वाली के प्रोग्राम हो जाए, मैंने बहुत कुछ किया। लेकिन वो आज लोग सब दिखावे के लिए, सेल्फी के लिए, फोटो के लिए, होर्डिंग के लिए वो करते हैं, और चार लोग छोटे मोटे दुकानदारों को परेशान करके वर्गनी, पहले 500 रुपया, 100 रुपया, 11 रुपये, 12 रुपये ऐसी वर्गनी होती थी, आजकल 51,000, 101, 501 और 21,000, 1 करोड़, एक लाख इस टाइप के मांगते हैं। तो ये कैसा बन गया, लोगों का धंधा बन गया, बिजनेस बन गया, बिजनेस बन गया, इवेंट करना, सोशल ये करना, तो ये सब चीज़ों के चक्कर में एकदम बहुत गलत लगा। क्योंकि लोग रोजगार तो लोगों को देते नहीं, कई लोगों के जिसके धंधे पानी चलते नहीं, कारोबार चलते नहीं, एक गुंडा बदमाश जाएगा वहाँ बोलेगा इनको 501 की रिसिप्ट फाड़, तो बेचारा चुपचाप फाड़ देगा, वो बोलेगा 5,000 की फाड़, बड़ा दादा तो 5,000 की फाड़ देगा। तो ये सब माहौल के चक्कर में मैं सोशल मीडिया से दूर हुआ। लेकिन मेरे को आज कहीं आना पड़ेगा, क्योंकि मैं कल से कंटिन्यू फॉलोअप में है, बहुत लोगों के मैसेज गलत जाए। मैंने भी यहाँ के सोमवारी क्वार्टर में भी ग्रुप में देखा है कि कुछ लोग दिखावे के लिए काम करते हैं और कुछ लोग एक्चुअल काम करते हैं। यही टाइम है, मैं मेरे मुस्लिम समाज के लोगों से बोलता हूँ कि यही टाइम है, अगर आपको कुछ करना है तो आप गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं। ये तो अभी लॉकडाउन अभी तो 21 दिन का हुआ है, लेकिन अगर ऐसी ही पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगी, पब्लिक सपोर्ट नहीं करेंगी और ये महामारी नहीं रुक पाएंगी, तो गवर्नमेंट को मजबूरन है लॉकडाउन और आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो तब जाके उस समय नागपुर में गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएंगी, पानी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी, लोगों के घरों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, वहाँ पे रोजगार की प्रॉब्लम है। तो आप ऐसे समय के लिए मदद करो, अभी मदद की लोगों को जरूरत नहीं है, लेकिन मदद की जरूरत महीने भर साल भर के बाद कर सकते हैं। लेकिन उसको मदद का भी कोई तरीका नहीं कि आपने भीड़ जमा ली, खाना बांट रहे, 50 लोगों की लाइन लग रही, किराना बांट रहे, 100 लोगों की लाइन लग रही, नहीं। आप कलेक्टर देखो, हमारा जो कलेक्टर है, जो जिलाधिकारी है, उससे आपको कोई भी चीज़ की परमिशन लेना है, उसको पूछना है कि हमको ऐसा ऐसा करना है, आप अपनी अनुमति है, और जो सिस्टम से हमको बताता है वो सिस्टम को फॉलोअप करना है, वो सिस्टम से हमको चलना। हम अपनी मर्जी से कहीं पर भी लंगर ला के बांट दे रहे, कहीं पर भी हम लोग जाके दान धर्म कर दे, बिल्कुल गलत है। हमारी गवर्नमेंट बोलती है कि 4 लोग साथ में नहीं रहना चाहिए, हमारे को 1 फीट की 2 फीट की दूरी बना के रहना चाहिए, तो फिर हम ये चीज क्यों कभी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, इसको अभी रोकना चाहिए। जैसे प्रशासन की बात किया रत्नाकर जी सिराज सर ने, तो मैं यही बता देना चाहता हूँ कि जो जिलाधीश जो है रविंद्र ठाकरे जी, इनका कामकाज काफ़ी अच्छा चल रहा है। ठीक उसी प्रकार से म्यूनिसिपल कमिश्नर जो है तुकाराम मुंडे जी, इनका भी कामकाज बहुत अच्छे से चल रहा है। और जैसे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि चाहे डॉक्टर्स हो, पुलिस हो या मीडिया हो, उनको सलाम करना चाहिए। क्या लगता है आपको, क्यों आखिर सलाम करना चाहिए, क्या उनका वो कर्तव्य नहीं, कर्तव्य करने के लिए सलाम के लिए सलाम जरूरी है क्या? प्रशासन के जो अधिकारी लोग हैं, चाहे पुलिस डिपार्टमेंट के हो या डॉक्टर हो, डॉक्टर मेरे हिसाब से इस दुनिया के अंदर में जो हमारे शहर है, जो हमारी बस्ती है, जो हमारे मोहल्ले है, वहाँ के हम उनको गॉड ही बोलेंगे। बिल्कुल बोलना, गॉड तो हमारा ऊपर वाला है, लेकिन ये हमारे को जो गॉड बन के बच्चा रहे, इनकी भी फैमिली है, कई आपको डॉक्टर को भी ये रोग हो चुका है, आपने सुने हैं, इंडिया में भी सुने, इंडिया के बाहर भी सुने, फिर भी अपने जान पे खेल के वो आपकी जान बचा रहे, फिर भी हम उनको कोऑपरेट नहीं कर रहे, उनके हर हम उनके काम बढ़ा रहे, हर उनके हम लोग घरों के बाहर निकल के महफिलें जमा रहे, ये कर रहे, फिर बीमार होने के बाद हमको जाएंगे कहाँ, उन्हीं डॉक्टर के पास, तो हम डॉक्टर के भी काम बढ़ा रहे। उन डॉक्टर को मेरा तो सलाम है खास तौर पे कि जो आज भगवान बन के या भगवान के रूप के अंदर में हम लोगों को सपोर्ट कर रहे, ऐसे लोगों को हम लोग ने सलाम करना चाहिए। ये आज बहुत बड़ी जवाबदारी है कि हम लोगों को बीमारी से बचना चाहिए और उन लोगों को काम कम होना चाहिए, इसका ध्यान रखना चाहिए। आपने जो कहा बहुत सही सवाल था आपका कि सलाम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सलाम ये दिल के अंदर से आना चाहिए, वो प्रशासनिक उनकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल जिम्मेदारी है, लेकिन अपने जिम्मेदारी को इस कदर निभाना, सब चीज़ों को छोड़कर सारी जनता की सेवा के लिए आगे आना, और ये सब कुछ करते हुए कहीं ना कहीं सख्ती बरतनी पड़ती है, वो बात अलग है, लेकिन डर सभी को है,
सभी की फैमिली है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हो, चाहे पुलिस वाला हो, या चाहे हॉस्पिटल का डॉक्टर हो, तो सभी को अपने अपने जिंदगी के बारे में सोचने की ये वक्त है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग काम कर रहे हैं, तो सलाम तो जरूर बनता है। मैं तो इस मत से बिल्कुल इत्तफाक रखता हूँ, और हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम हर घर में एक लीडर तैयार करें जो इस बात की जिम्मेदारी ले कि ना वो खुद अपने परिवार को घर से बाहर निकलने दे, और अपने आजू बाजू में अगर कोई भी बाहर निकले तो उन्हें मनाई करे, उन्हें बताए कि ये रोग की क्या स्थिति हो सकती है, आने वाले समय में देश किस गर्त में जा सकता है अगर आज हम लोगों ने इसको कंट्रोल में नहीं मैं किया। अजी आज सोशल मीडिया पे ग्रुप में चल रहा है कि आज मुस्लिम समाज ने और बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने 10 बजे अपने छत के ऊपर अपने घर के अंदर अजान देने का ऐलान किया है कि अजान देना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, हमको अपने रब को पुकारना ही चाहिए जी। हमारे हमें क्योंकि ऐसी ऐसी महामारी है, ऐसा कहर बरसा है ऊपर वाले ने, इससे हमारे को बचना है, हमको ऊपर वाले को याद करना है, लेकिन हमको इसको एक कानून के दायरे में रखकर या रह के करना है, और ऊपर वाले का भी ख्याल रखें कि ऊपर वाले को भी बहुत ज़्यादा दिखावा या बहुत ज़्यादा अगौपन पसंद नहीं है। हम लोग अगौपन का मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग अजान दे रहे हैं और उसको वीडियो बना रहे हैं और लोगों को शेयर कर रहे हैं, उसमें कमेंट लिख रहे हैं कि मेरे बेटे ने कितनी अच्छी अजान दिया, मेरे भाई ने कितनी अच्छी अजान दिया। आपको अजान देना है, बिल्कुल देना है, अपने घर में देना है, अगर घर में अपने पास छत है तो छत पर जाके दो, अरे बिना लॉस स्पीकर, कोई लॉस स्पीकर नहीं है वहाँ, तो घरों में लॉस स्पीकर रहता नहीं, लेकिन आजकल लोगों के डमी बहुत छोटे छोटे चाइना मॉडल के आ गए हैं, लोग उसी को पकड़ के दे रहे, अपने वजह से दूसरों को डिस्टर्बन ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना है, और बहुत अच्छी बात है, ये अल्लाह को फुकारना ही चाहिए, क्योंकि हमारा जो रब है वो रब हम सुनता है, अगर अब हम दिल से आवाज़ देकर उनको फुकारेंगे तो महामारी बच सकती है, लेकिन हमको उसको कानून दायरे में रह के करना है, और अल्लाह का भी ख्याल रखना है, हमारे नबी ने भी क्या हुक्म किया है उस नबी की भी बातों को ध्यान में रखते हुए करना है, हमको दिखावा नहीं करना है, और इसका सोशल मीडिया पे तमाशा नहीं बनाना है। तमाशा का मतलब है कि लोग कर रहे हैं, दूसरे लोग दूसरे कार्यक्रम के लोग उसको मजाक में ले रहे, ये चीज़ नहीं करना है। मेरी हाथ जोड़ से विनती है लोगों से, मुस्लिम भाइयों से, कि इसको बिल्कुल आप अजान दो, अपने तरीके से दो, बुलंद आवाज़ में दो, विदाउट इसके दो, लेकिन आप इसको सोशल मीडिया पे इसका मजाक ना बनाओ। ये फिर से सिराज सर जो बता रहे हैं कि हमारी जो जिम्मेदारियां हैं उन जिम्मेदारियों का आह्वान अगर हम सही ढंग से करें तो कहीं ना कहीं इस बीमारी को रोक सकते हैं। चाहे जिस भगवान को भी हम मानते हैं, अल्लाह, ईश्वर, यीशु, जिनको भी मानते हैं, उनको हम ज़रूर उनकी प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें, जो भी हमें करना है करें, लेकिन घर के अंदर में रहे, कानून के दायरे में करें, प्रशासन चुस्त दुरुस्त है, लेकिन हमारी जो जिम्मेदारी है उसका वहन हमें ज़रूर करना चाहिए। इन विषय के माध्यम से यूं ही हम आपसे निरंतर बात करते रहेंगे, सिराज सर को भी हम यहाँ पे बुलाया करेंगे, और बहुत अच्छी आपने बात की, बहुत अच्छी तरह बहुत अच्छा लगा हमें, और कोरोना के विषय पर हम आपसे भी और बातें करते रहेंगे, हमारे दर्शकों से नागपुर की स्थिति, देश की स्थिति, जागतिक स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सिराज सर आपका हमारे साथ में बात करने के लिए। नमस्कार।